तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहते हैं कि एक हम लोग के पास ब्लॉक है जिसका मास यहाँ पे स्मॉल एम है, मूव अन ए हॉरिजेंटल सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में मूव करा अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सिलेंड्रिकल रूम ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना। रेडियस कैपिटल आर का सिलेंड्रिकल रूम है और उसमें एक ब्लॉक को हमने कुछ वेलोसिटी दे के छोड़ दिया होगा, बट द वॉल और सिलेंडर के बीच जो है, हाँ मतलब फ्रिक्शन है, बट ब्लॉक और फ्लोर के बीच स्मूथ है, बट फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन म्यू है। द ब्लॉक इज गिवेन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जब टाइम जीरो था तो जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमें ये जो डेटा है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड। भाई साहब, जब फ्रिक्शन है तो जब आपने स्पीड दे के छोड़ दिया तो फ्रिक्शन की वजह से स्पीड वेरिएबल होगा, तो स्पीड जब वेरिएबल होगा तो सबसे पहले नॉर्मल एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड निकालना है, ठीक है। नॉर्मल एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, ठीक है ना। वॉल ब्लॉक पे कितना नॉर्मल निकाल रहा है इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो सबसे पहले हम एक एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर अपना ब्लॉक है, ऐसे कुछ रखा हुआ है, समझने की कोशिश करना। तो ये जो ब्लॉक है, इसको इसको हमने कुछ हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे दिया इस डायरेक्शन में, तो हमने हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे दिया, तो ये हॉरिजेंटल सर्कल ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे ये सर्कल में मूव कर रहा है और वॉल के सहारे, ठीक है ना, सर्कल में मूव कर रहा है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और ये ब्लॉक मास एम है। तो अगर ब्लॉक पे देखोगे तो सबसे पहले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये सिलेंडर है, ठीक है ना, और ये जो फ्लोर है वो स्मूथ है, जिस पे है वो स्मूथ है। तो मान लो अगर कभी यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर कभी ब्लॉक है, या तो यहाँ पर कभी ब्लॉक है, तो सबसे पहले इस पे फोर्स अगर देखोगे तो फोर्स, अगर फोर्स की बात करोगे तो सबसे पहले जो ये इधर जो वेलोसिटी दिए हो, टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी है बोलो, वी नॉट है। तो टी टाइम बाद जब ब्लॉक यहाँ रहेगा, जब ब्लॉक यहाँ रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो चुकी होगी और टाइम बीत चुका होगा टी। तो इस पे जो नॉर्मल आएगा, सबसे पहले देखो इस पे जो एम जी आएगी वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, और ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर, तो ये फ्लोर एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में एन वन, ठीक है। इसके अलावा इस ब्लॉक पे, इसके अलावा इस ब्लॉक पे ये जो सूडो सर्कल में चला तो सूडो फोर्स फील कर रहा होगा, तो ये जो ब्लॉक है इस सिलेंडर के सरफेस को इधर की डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, ठीक है, एक सूडो फोर्स लगा रहा होगा किसी भी इंस्टेंट। उस सूडो फोर्स की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको मैं मान लेता हूँ एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है ना। ये मैं सूडो फोर्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी के फ्रेम से देख रहा हूँ, ठीक है। आई एम ऑब्जर्विंग दिस मोशन फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ब्लॉक। तो ये जो वॉल को पुश कर रहा है तो ये नॉर्मल इधर लगा रहा होगा वो एन है। आप इसको सेंटीपिटल से भी कर सकते हो, एज यू लाइक एज यू विश, ठीक है, उससे आंसर चेंज नहीं होता। इसके अलावा जो है फ्रिक्शन, अब मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा, टेंजेंशियल, तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगेगा तो इस पॉइंट पे लगेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको फोर्सेस समझ में आ गए होंगे। इधर वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी अपनी बी नॉट है, तो नॉर्मल ये सारे फोर्सेज आ गए, तो नॉर्मल ने बैलेंस किया होगा एम जी को, और जो ये वाला नॉर्मल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर दे रहा होगा, और जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू एन। अब यहाँ कौन सा नॉर्मल लूँ भाई, एम जी वाला नॉर्मल, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, एम जी वाला नॉर्मल क्या है बोलो, कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये वाला जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल एन, वो क्या है, एक वेरिएबल नॉर्मल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अच्छे से तो स्पीड वेरिएबल है, ठीक है ना, स्पीड वेरिएबल है, तो नॉर्मल एन वेरिएबल है, ठीक है ना, नॉर्मल वेरिएबल आ जाएगा। तो अगर नॉर्मल वेरिएबल आ जाएगा तो ये तो नॉर्मल कॉन्स्टेंट है, तो ये जो नॉर्मल ए वाला है ये यहाँ पर यूज होगा। तो अब बाकी धीरे धीरे पूछते हैं हम लोग, क्या पूछें, सबसे पहले नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। तो नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल, वॉल देखो कितना, ये जो वॉल है वो नॉर्मल कितना लगा रहा है एन, तो पहला पार्ट तो यहीं से हमारा सॉल्व हो गया,
नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल पार्ट ए, ठीक है, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर इज ए फंक्शन ऑफ स्पीड. द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. सेकेंड पार्ट पूछो, फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल. तो किसी इंस्टेंट बी अगर पार्ट सॉल्व करेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है, म्यू एन है, तो म्यू यहाँ आ जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर रेडियस. तो ये भी पार्ट अपना सॉल्व हो गया. सी पार्ट देखो, अरे भाई ये वाला नॉर्मल आएगा ना कि ये वाला आएगा, ठीक है. तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक का टेंजेंशियल एक्सलेशन अगर देखोगे तो टेंजेंशियल में देखोगे तो इस लाइन में अच्छे से अगर देखोगे तो इस लाइन में, इस वाले लाइन में एक ही फोर्स आ रहा है जो कि फ्रिक्शन है, इधर की डायरेक्शन में आ रहा है जो कि फ्रिक्शन है भाई. तो एक ही फोर्स आ रहा है जो कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है. तो यही जो फ्रिक्शन है वही टेंजेंशियल एक्सलेशन देगा, स्पीड को कम करेगा. तो यहाँ पे जो एक्सलेशन है, टेंजेंशियल एक्सलेशन, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास, और ब्लॉक रिटार्ड हो रहा है, ठीक है, स्पीड इसको कम करने की कोशिश कर रहा है. तो निगेटिव साइन मैं रिटार्डेशन के लिए लगा रहा हूँ. तो टेंजेंशियल एक्सलेशन फ्रिक्शन की वैल्यू कितना बोलो, म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन एम, और ये कैपिटल आर और माइनस साइन से डिवाइड कर देता हूँ. तो ये हमने एम को काट दिया. तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जो मुझे बचेगा वो माइनस म्यू टाइम्स वी स्क्वायर आर. तो ये अपना रहा पार्ट थर्ड. तो पार्ट सी भी अपना सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों. चलो तो पार्ट सी भी सॉल्व हो गया, पार्ट डी करते हैं. पार्ट डी इंटरेस्टिंग है. तो ए बी सी ये सारे हो गया. तो डी पार्ट में क्या करता है कि टेंजेंशियल इंटीग्रेट करना है. किसको भाई, ये जो फंक्शन जो एक्सलेशन है डी बी अपन डी टी, एक्सलेशन जो फंक्शन ऑफ पोजिशन है. तो एक्सलेशन जब फंक्शन ऑफ पोजिशन है तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो एक रिवोल्यूशन के बाद पार्टिकल के पास कितनी स्पीड होगी. अरे भाई जब चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर लगा लेगा तो एक चक्कर बाद कितनी स्पीड होगी, कम हो रही है ना, टाइम डिपेंडेंट है. तो एक चक्कर के बाद कितनी स्पीड रहेगी, तो वही तो पूछ रहा है. तो सबसे पहले लिमिट देखो, पार्ट डी करोगे, जब एक वन साइकिल पूरा हो जाएगा, वन साइकिल, तो वन साइकिल में जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो था, और स्पीड कितनी थी, वी नॉट थी यू. जब टाइम टी बी चुका होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका, एक चक्कर में 2πr, और स्पीड भी हो चुका होगा. तो यही तो हमें स्पीड निकालनी है. तो सबसे पहले जो एक्सलेशन आ रहा है टेंजेंशियल एक्सलेशन, इसको मैं यूज करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ. देखो सब लोग, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस टेंजेंशियल एक्सलेशन को, एक्सलेशन को लिख सकते हैं डी बी ओवर डी टी, और इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स वी स्क्वायर ओवर आर. बट एक साइकिल पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने के लिए, तो इस एक्सलेशन को मैं पोजीशन डिपेंडेंट लिखूंगा ना कि टाइम डिपेंडेंट लिखूंगा. तो पोजीशन डिपेंडेंट अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा डी वी, और ये आ जाएगा डी टी, दैट इज डी एस, और ये आ जाएगा डी एस. तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स म्यू वी स्क्वायर ओवर आर. तो यहाँ से लिख सकते हो डी एस ओवर डी टी, और ये आ जाएगा डी वी ओवर डी एस. तो फाइनली माइनस म्यू टाइम्स वी स्क्वायर ओवर आर. तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये वाला जो चीज़ है, इट्स नथिंग. डी एस ओवर डी टी क्या है भाई, स्पीड है. तो स्पीड भी, और यह आ जाएगा डी वी ओवर डी एस, और ये फाइनली मुझे मिलेगा माइनस म्यू टाइम्स वी स्क्वायर अपन आर. तो एक भी ने एक भी को ख़त्म कर दिया. तो यह आ जाएगा डी वी ओवर भी इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स आर, और दैट इज द डी एस. इस ये आ गया. तो इसमें प्रॉपर लिमिट लगाओ, क्योंकि हमें एक साइकिल में पूरा करने में जितना हमें स्पीड चाहिए. तो यहाँ से जब मैं प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करूँगा तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, कुछ हुआ ही नहीं था, तो स्पीड कितनी थी, वी नॉट. तो जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, एक साइकिल में 2πr हो जाएगा, तो वही तो स्पीड पूछ रहा है. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इधर बनेगा लॉग एल एन वी, और लिमिट जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा बोलो, वी नॉट से वी तक, और यह आ जाएगा माइनस म्यू टाइम्स आर, और इसका इंटीग्रेशन एस होगा, और इस पर लिमिट जाएगा ज़ीरो टू 2πr. तो अगर मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करूँगा तो यहाँ से
सॉल्व करो इसको, और ज़्यादा अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो चलो देख लेते हैं। लॉग लिमिट डाल देते हैं यहाँ पे, तो लॉग लॉग भी माइनस लॉग नेचुरल लॉग है वी नॉट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स म्यू आर, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल दो 2 पाई आर। तो टू आर ने आर को यहाँ से ख़त्म कर दिया, और इधर बचेगा वो हो जाएगा लॉग बी, और बी अपन वी नॉट बचेगा, और ये माइनस म्यू टाइम्स 2 पाई आर, 2 पाई बचेगा इधर। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो वी अपन वी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो ई टाइम्स माइनस 2 पाई म्यू बचेगा। तो हमें भी चाहिए, तो भी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी भी नॉट ई की पावर माइनस 2 पाई म्यू। दिस इज द वेलोसिटी, रिमेनिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 साइकिल, मतलब एक चक्कर पूरा करने में डिस्प्लेसमेंट कितना होने में भाई, 2 पाई आर होने के बाद उसके पास दिस इज द रिमेनिंग रिमेनिंग स्पीड, तो वो उसके पास इतनी स्पीड होगी। तो आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहो प्यारे बच्चों। तो आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है हमें, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो।